जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे BSF हेड कांस्टेबल मनीष चहल और ASI स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी जिसका एग्जाम 17 और 18 जून को हो चुका है कंप्लीट। इसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे, कब से आप अपनी आंसर की हो चेक कर सकते हैं, कब आंसर की का लिंक हो एक्टिवेट होने वाला है और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो मैं इसी वीडियो में बात करेंगे कि कब तक आपकी आंसर की इसकी आने वाली है और कैसे आपको इसकी चेक करना होगा। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने लिंक एक्टिवेट कराया था, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के बेस पर ये लिंक एक्टिवेट कराया गया था और यहीं से आपको जो है अपनी आंसर की भी चेक करनी होगी। जैसे कि आपको कैसे आंसर की चेक करनी होगी, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा। रोल नंबर आपको ये BSF वाला नहीं डालना है, अब की बार जो रोल नंबर होगा आपका जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर था, जो न्यू रोल नंबर आया था आपका वो रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी। डालने के बाद ये जो कैप्चा हो रहा है ये डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करके आप जो है अपनी आंसर की चेक कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी आंसर की कब आएगी। देखिए जो इसकी आंसर की है 1 वीक में आपकी आंसर की हो रिलीज कर दी जाएगी। इसकी 7 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की इसकी जारी कर दी जाएगी। 7 दिन से ही पहले आपको ये आंसर की इसको देखने को मिलेगी आपको सभी को इसकी। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपके जिस कैंडिडेट के 60+ नंबर होंगे वो सभी कैंडिडेट अपनी जो है टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। जिसके 60+ नंबर हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपने यहाँ पर चेक करेंगे और ये जो भी BSF की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट कराया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं आप BSF.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सभी लिंक आपको दिए गए थे एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जैसे कि एग्ज़ाम आपका 17 और 18 जून को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी लिंक एक्टिवेट कराए गए थे। तो यहीं पर आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट होने वाला है आंसर की का। तो जैसे ही आंसर की का लिंक एक्टिवेट होगा, मैं यहाँ पर जो है फेसबुक पेज दिया गया है एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे फॉलो कर लेना। वहाँ पर जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा डायरेक्ट, तो वहाँ पर आप अपने जो है डायरेक्ट चेक कर लेना। तो आपकी जो आंसर की है 1 वीकेंड अंदर जो आपकी आंसर की आ जाएगी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनोग्राफर की दोनों पोस्ट की आंसर की है 1 वीक के अंदर आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। तो यह आपके लिए अपडेट थी।